जबरदस्त सिंगर, बड़ी ही अनोखी आवाज की मालिक सुमन कल्याणपुर। जन्म 28 जनवरी सन 1937 ढाका में हुआ, जो कि अब बांग्लादेश में है। सन 1943 में इनका परिवार ढाका से मुंबई की तरफ आ गया। इनका परिवार जानता था कि इस लड़की में कोई खास बात है। मुंबई आकर इन्होंने संगीत का प्रशिक्षण शुरू किया, पर तब किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे जाकर ऐसी आवाज बनेंगी जो फिल्म इंडस्ट्री की जबरदस्त गायिका लता मंगेशकर को भी कंपटीशन दे सकेगी। तुम मरते निकालोगे घूंघट जब राज हमारा आएगा, तुम मरते निकालोगे घूंघट जब राज हमारा आएगा, तुम मरते निकालोगे घूंघट, तुम मरते निकालोगे घूंघट, तुम मरते निकालोगे घूंघट जब राज हमारा आएगा। जब ये बांग्लादेश में रहा करती थी, तब आरसी बोरल और केसी डे और केएल सेगल जैसे कलाकारों की आवाजों से ये खासी मुतासिर हुई। कानन देवी की आवाज का भी इन पे गहरा असर रहा। सचिन देव बर्मन के बंगाली गानों ने इनका दिल जीत लिया था। बात ये भी मशहूर रही कि महान गायक तलत महमूद ने एक मर्तबा इन्हें एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में सुना और आवाज सुनते ही कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक डुएट जरूर गाऊंगा। एसडी बर्मन साहब का एक गाना छोड़ो छोड़ो मोहे बैया, फिल्म का नाम था मियां बीवी राजी, इसने कमाल कर दिया था। और उसके बाद एक गाना आया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने। इस फिल्म का संगीत भी एसडी बर्मन ने ही दिया था। बहुत सारे लोगों को ये लगा कि ये गाना दरअसल लता मंगेशकर ने गाया है। कोई यकीन ही नहीं कर सकता था ये आवाज़ सुमन कल्याणपुर की है। उस वक्त से यह भी बोला जाने लगा कि इनकी आवाज़ हूबहू लता मंगेशकर जैसी है। इस बात का इन्हें थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा, पर लता मंगेशकर के साथ इन्होंने एक डुएट जरूर गाया। ये घबराई हुई थीं और संगीतकार हेमंत कुमार ने इनकी हिम्मत बंधाई और कहा कि कभी भी जरूरत से ज्यादा ऊंचा मत गाना, लता मंगेशकर को फॉलो मत करना, अपने मन में जो है बस उसी का ध्यान रखना। महान संगीतकार रोशन साहब के साथ भी इन्होंने खूब फिल्मों में काम किया। एक वक्त ऐसा भी आया था जब महान गायक मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच ज़रा बहसबाजी हो गई थी। इतने रूठ गए थे ये एक दूसरे से कि साथ गाना ही बंद कर दिया था, और तब सुमन कल्याणपुर की आवाज़ ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का साथ निभाया। तुमने पुकारा हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा हम चले आए। शंकर जयकिशन के साथ भी इन्होंने जबरदस्त काम किया और ये गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, इसे कौन भूल सकता है। ये बात भी सही है कि कॉलेज के दिनों से ही सुमन कल्याणपुर पे लता मंगेशकर की आवाज़ का गहरा असर था। रेडियो सिलोन पर भी जब भी गाने रिले किए जाते तो सिंगर्स का नाम कभी भी अनाउंस नहीं किया जाता था, कभी कभी तो रिकॉर्ड पर भी गलत नाम छपता था। 50 और 60 के दशक में सुमन कल्याणपुर ने अपना एक अलग मकाम बनाने की कोशिश की। कभी कभी लता मंगेशकर जब बहुत ज़्यादा व्यस्त होती थीं या फिर प्रोड्यूसर के पास इतना बजट नहीं होता था, तब वो सुमन कल्याणपुर से गाने गवाते थे। उन्नीस सौ 1958 में सुमन कल्याणपुर ने शादी की रामानंद कल्याणपुर से, जो शादी के बाद हर रिकॉर्डिंग सेशन और हर स्टेज शो पर इनके साथ जाया करते थे। इस शादी से इन्हें एक बेटी हुई, चारुल अग्नि,
जो कि आगे जाकर अमेरिका में सेटल हुई। यकीनन सुमन कल्याणपुर ने अच्छे खासे कंपटीशन में भी अपना एक ऐसा नाम बनाया कि पीढ़ियां इनकी आवाज से मुतासर रहेंगी। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।